So first of all, we will talk about the uses of metals, and after that we will talk about the use of non-metals. Clear? So firstly, agar hum metals, uses of firstly metals. Okay? So kuch metals ke uses ke baare mein janenge. Clear? Like agar hum baat karte hain first metal, that is about copper. Okay? तो कॉपर, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, व्हाट मेटल्स जो होते हैं, दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के. ठीक है, तो आपने बहुत सारे रियल लाइफ में अपने देखे होंगे, डेली एग्जांपल्स में देखे होंगे कि कॉपर जो होता है कहाँ कहाँ बेसिकली यूज किया जाता है. तो कॉपर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल वायर्स, मैंने आपको बताया था, क्योंकि गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, कॉपर से बने होते हैं. ठीक है, दूसरी बात, केबल्स की बात की जाए, ठीक है, या कॉइल्स जो होते हैं वो भी फॉर्म होते हैं किसके, कॉपर के कॉइल्स होते हैं. ठीक है, एंड वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है. क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है किसका, सिल्वर के बाद. ठीक है, सिल्वर के बाद क्या है, अच्छा कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का. क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यू हैव सीन, आपने देखा होगा कि यूटेंसिल्स जो होते हैं उसके नीचे की तरफ एक लेयरिंग बनी होती है, लेयरिंग फॉर्म होती है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर की, दैट इज व्हाट, कॉपर की. ठीक है, वो किसकी होती है, कॉपर की, क्योंकि वो एक अच्छा क्या है, कंडक्टर है किसका, हीट का एक अच्छा कंडक्टर भी है. सो दैट्स व्हाई यूटेंसिल्स जो होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, तांबे के बने होते हैं, मतलब जिसको कॉपर कहते हैं. ठीक है, तो वो तांबे के भी होते हैं, कॉपर के. ठीक है, कार रेडिएटर्स या फिर कैलोरीमीटर जो होता है. ठीक है, व्हाट द कैलोरीमीटर इज, कैलोरीमीटर्स. ओके, सो कैलोरीमीटर्स के फॉर्मेशन में भी क्या होता है, इस कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, तो कैलोरीमीटर की अगर हम बात करें, कैलोरीमीटर इज द व्हाट, व्हाट काइंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिलीज. ठीक है, कि कितने केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज हुई है. ठीक है, वो मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं. मींस इट इज अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट इन केमिकल रिएक्शन. ओके, दैट इज कैलोरीमीटर. ओके, सो कैलोरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, यूज किया जाता है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो फॉर्म हुई है किसी केमिकल रिएक्शन में, डिटरमाइन करने के लिए. ठीक है, तो वो चीज जो होती है वो किससे बनी होती है, कॉपर से बनी होती है. ठीक है, नेक्स्ट आता है, बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नेक्स्ट आता है कि इट इज यूज फॉर मेकिंग द अलॉय. अलॉय व्हाट इज इट, अलॉय एक टॉपिक है जो हम इसके बाद पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में, क्लास सेशन में. तो अलॉय में सिंपली फॉर्म में बता देती हूँ, अलॉय क्या होता है बेटा, थिंग्स और द मेटल्स कहा जाए तो, ऐसे सब्सटेंसेस जो दो या दो से अधिक मेटल्स को मिक्स करके, ठीक है, और कुछ में अमाउंट ऑफ नॉन मेटल्स को मिक्स करके जो एक नई चीज बनती है. ठीक है, दैट इज नोन एज द अलॉय. हम उसे क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं. ठीक है, क्लियर? अलॉय इज व्हाट, दैट इज अ काइंड ऑफ अ सब्सटेंस और अ थिंग, ठीक है, व्हिच इज मेड अप ऑफ टू और मोर मेटल्स व्हेन दे गेट मिक्स्ड and some amount of a non-metal, okay, like carbon की बात की जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, alloy. जैसे stainless steel है आपका, ठीक है, आपने 7th class में पढ़ा होगा, stainless steel क्या है बेटा, that is a alloy of iron, वो क्या है, iron का क्या है, alloy है, जिसमें क्या होता है, कुछ metals like chromium होता है, nickel होता है, manganese होता है, इनको mix करके iron में क्या होता है, जो एक नया चीज बनता है, that is stainless steel. वो क्या है, स्टेनलेस स्टील है, और कुछ अमाउंट ऑफ उसमें क्या होता है, 0.1.2% समथिंग जो कार्बन होता है, नॉन मेटल, वो भी प्रेजेंट रहता है उसमें. क्लियर? तो दैट इज एन अलॉय ऑफ व्हाट, स्टेनलेस स्टील क्या है, अलॉय है किसका, आयरन का अलॉय है. क्लियर? जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं एक और, दैट इज द ब्रास. ओके, सो ब्रास इज व्हाट, दैट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. ठीक है, जब दोनों को मिक्स किया जाता है, कॉपर को और जिंक को, ठीक है, तो उससे जो एक नया फॉर्म होता है वो क्या होता है, अलॉय, दैट इज ब्रास होता है, ब्रास फॉर्म होता है. ठीक है, तो उसी तरह अगर ब्रॉन्ज की बात की जाए, हमने ब्रॉन्ज मेडल्स के बारे में सुना होगा, जैसे कॉइन्स या मेडल्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, तो वो कॉपर और टिन से बने होते हैं. ठीक है, उनमें कॉपर और टिन जो होता है मिक्स होता है. ठीक है, तो जो अलॉय फॉर्म होता है दैट इज व्हाट, ब्रॉन्ज, वो ब्रॉन्ज होता है. तो ये हम अलॉय के बारे में बात कर रहे हैं. तो कॉपर का जो इस्तेमाल होता है बेटा, वो अलॉय के फॉर्मेशन में होता है, जैसे मैंने अभी ब्रास के बारे में बताया. ठीक है,
It is used for making the alloy, which are used for making the coins and the what? That is pipes. ठीक है? जिसका इस्तेमाल जो होता है coins या फिर pipes बनाने के लिए किया जाता है. Clear? Now next one is, अब हमारे पास दूसरा metal आता है, which one is iron. Okay? So iron की अगर हम बात करें, it is also what? Metal. Okay? That is Fe. Clear? So iron means अगर हम इसके impure metal बात करें, that is what is the impure metal? Impure iron metal कौन सा आता है? That is the pig iron. That is pig iron. Okay? Pig iron का मतलब क्या है? एक iron जिसमें कुछ amount of carbon जो होता है present रहता है. We can say that it is impure. It is impure iron. It is impure iron. ठीक है? ये क्या है बेटा? एक impure iron है. Okay, which is hard होता है, brittle होता है, और जिसमें बहुत high amount of impure मतलब carbon content जो होता है वो present रहता है. That is high carbon content is present. Carbon content. It contains high carbon content. That is a non-metal. Carbon is what? That is a non-metal. जब किस iron में carbon की ठीक है मात्रा अगर ज्यादा होती है, ठीक है, that is known as the pig iron. Impure iron है, it is not a pure one. Okay? So that is pig iron. ये जो होता है, ये hard होता है, but it is brittle in nature. ठीक है? So it is used for making the pipes and what? Storage tanks, rails जो होती हैं, ठीक है? Railings जो होती हैं, या cylinders जो होते हैं basically, या फिर sink जो होते हैं, वो बने होते हैं, ठीक है? इस iron से, ठीक है? That is pig iron से. दूसरी अगर हम बात करते हैं, that is the rough iron. What is it? Rough iron. इसको अगर हम कहते हैं, तो that is what? It is an alloy of iron. ये क्या है? एक alloy है. किसका? Iron का एक क्या है? Alloy है. अगर हम इसमें carbon के content की बात करें, इसमें carbon content ज़्यादा होता है या कम होता है, तो we can say that it is tough, malleable and very little amount of carbon. That is very little carbon content. Okay? कम जो होता है, ठीक है, वो carbon content जो होता है कम present रहता है, ठीक है, in rough iron में. तो अगर हम इसको बात करें, तो it is an alloy basically of an iron. ठीक है? जो क्या है? Alloy है किसका? Iron का. ठीक है बेटा? तो इसका इस्तेमाल जो होता है bolts, chains, ठीक है, nails या फिर nut bolts वगैरह बनाने में किया जाता है, but wire, ठीक है, wire nets बनाने में किया जाता है, nails बनाने में किया जाता है, ठीक है, जो लोहे की कीले होती हैं, ठीक है, उन्हें उनसे बना उन मतलब वो बनाए जाते हैं, या फिर agriculture tools जो होते हैं, ठीक है, जिसमें plow होता है, या drill जो होती है, ठीक है, वो जो होती है form होती है किससे? That is rough iron से form होती है. Clear? Next आता है हमारे पास aluminium. Now the where the aluminium is used. Okay, now aluminium के इस्तेमाल जो होता है बेटा, वो कहाँ किया जाता है? ठीक है? So aluminium is for making the utensils. ठीक है? उनका इस्तेमाल जो होता है, वो utensils formation में होता है. ठीक है? जैसे आपके किचन एसेसरीज जो होती हैं वो बनती हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल केबल्स जो होते हैं, देखिए वायरिंग जो होती है, इलेक्ट्रिकल केबल्स जो होते हैं वो दो से बनते हैं, वन इज द कॉपर एंड अदर इज द एल्युमिनियम. ओके, तो इलेक्ट्रिकल केबल्स, दे आल्सो मेड अप ऑफ, इलेक्ट्रिकल केबल्स आल्सो मेड अप ऑफ व्हाट? दैट इज एल्युमिनियम. ओके, नाउ नेक्स्ट, ड्यू टू हाई कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक City. Next, अगर हम बात करते हैं, it is used for making the paints. इनका इस्तेमाल जो होता है, paint बनाने में किया जाता है, just to prevent the rusting of iron. Okay? So, used for making the paints. Okay? So, what is it? Rusting of iron? It is the what? Slow heating away of metal when they come in contact with the what? Oxygen and the water. Which is present in the air, okay? आपने लोहे में जंग लगा हुआ देखा होगा,
ठीक है, जब आप घर में कोई लोहे की चीज को रख देते हैं काफी दिन तक एक्सपोज है बाहर के एनवायरनमेंट में, तो उसके कुछ दिन बाद क्या होता है, उसके ऊपर एक ब्राउनिश सब्सटेंस की लेयरिंग जो होती है वो फॉर्म हो जाती है, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट रस्ट, उसे हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं जिसको आप, ठीक है, कहते हैं। तो अपने लोहे के गेट्स, आयरन गेट्स जो होंगे बड़े वाले वो देखे होंगे, या आयरन की जो ग्रिल्स होती हैं, ठीक है, विंडोज पे, उनको देखा होगा, वो ब्राउनिश सब्सटेंस क्या होता है, डिपॉजिट हो जाते हैं उसके ऊपर। तो व्हाई? बिकॉज दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द ऑक्सीजन एंड द वॉटर विच इज प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, रस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो उसको रोकने के लिए, आयरन को रोकने के लिए, रस्टिंग को रोकने के लिए क्या किया जाता है, एल्युमिनियम के जो पेंट्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं और उससे उन्हें पेंट किया जाता है, ताकि क्या है, रस्टिंग को क्या है, प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल जो होता है, एल्युमिनियम का इस्तेमाल पेंट्स बनाने में किया जाता है, क्लियर। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, इट इज यूज फॉर मेकिंग द बॉडी पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट, क्योंकि ये हल्के होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लाइट एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बहुत लाइट, हल्के होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस वजह से एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट पार्ट्स जो होते हैं, दे आर जनरली मेड अप ऑफ व्हाट इज, दैट इज एल्युमिनियम, ओके। तो एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, एल्युमिनियम से बने होते हैं, क्योंकि दे आर जनरली व्हाट, लाइट एंड स्ट्रॉन्ग, क्लियर, लाइट और स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, ओके। सो फोर्थ पॉइंट इज गोल्ड एंड सिल्वर द मेटल्स, दे आर जनरली, एज वी नो दैट, जैसे कि हमने रिएक्टिविटी सीरीज में जाना था, गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है, दे आर व्हाट, दे आर द लेस रिएक्टिव मेटल्स, दैट्स व्हाई दे व्हाट, जनरली रिएक्ट विद सम एयर और वाटर, बहुत कम होता है जो वो रिएक्ट कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा इसका इस्तेमाल जो होता है वो डिफरेंट ऑर्नामेंट्स बनाने में किया जाता है, ज्वेलरी जैसे मैंने बताया, या फिर डेकोरेटिव आर्टिकल्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है, आयुष, ओके। तो फर्स्टली दे आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरीज एंड डेकोरेटिव आइटम्स, या फिर कॉइन्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, ठीक है, और मेडल्स जो होते हैं वो भी गोल्ड और सिल्वर के जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज फॉल्स फॉर्म होते हैं इसके, आपने सिल्वर के फॉल्स देखे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज यूज फॉर गार्निशिंग द व्हाट, स्वीट्स, स्वीट्स के ऊपर जो गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर फॉइल इस्तेमाल होता है, ठीक है, आपने देखा होगा उसको, ठीक है। तो दिस वन इज फॉइल्स के फॉर्म में यूज होता है, कॉइन्स के फॉर्म में यूज होता है, ठीक है, एंड बिकॉज दे आर व्हाट, जैसे कि हमने पढ़ा है कि मेटल्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, तो ये मेटल जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हाईली डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, ठीक है, और लस्ट्रस होते हैं, सो दैट्स व्हाई दे यूज फॉर मेकिंग द कॉइन्स, ओके, मेडल्स, ओके, एंड ऑर्नामेंट्स, ओके, ऑर्नामेंट्स मीन्स ज्वेलरीज जो होती हैं वो फॉर्म की जाती हैं, क्लियर, गोल्ड और सिल्वर के, क्लियर, ये चीज समझ आई। नेक्स्ट आता है हमारे पास, फिफ्थ वन इज प्लैटिनम, प्लैटिनम की अगर बात करें बेटा, इट इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल, बहुत ही कम, आपने देखा होगा लोएस्ट पोर्शन पे प्रेजेंट है, सो सबसे कम लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, इट डज नॉट रिएक्ट विद द व्हाट, दैट इज सबसे लीस्ट, मतलब वी कैन से दैट डज नॉट इजीली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन और वाटर, ओके, सो वी कैन से दैट इट इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, इसका इस्तेमाल जो होता है वो ज्वेलरीज बनाने में किया जाता है, ओके, या फिर इलेक्ट्रोड्स बनाने में किया जाता है, व्हाट आर द इलेक्ट्रोड्स, अब हमारे पास यहाँ टर्म आता है कि इलेक्ट्रोड्स होते क्या है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स बनाने में किया जाता है, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के लिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स होते क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, एक तरह के मेटलिक रॉड्स होते हैं, क्लियर, एक तरह के क्या होते हैं, मेटलिक रॉड्स होते हैं, ठीक है, जिनसे करंट जो होता है इजिली पास हो सकता है, एंटर भी करता है और लीव भी करता है, क्लियर, दैट एंटर्स और लीव्स थ्रू अ व्हाट, नॉन मेटलिक सब्सटेंस, थ्रू अ व्हाट, दैट इज नॉन मेटलिक सब्सटेंस, ये चीजें जो है आप एक
नेक्स्ट चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के चैप्टर में, जिसमें क्या होता है बेटा कि दैट इज अ काइंड ऑफ अ बीकर इन विच द टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड, ओके, दो इलेक्ट्रोड्स को डिप किया जाता है, ठीक है, और कोई लिक्विड दैट इज इन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके ऐसे इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, यूज किया जाता है और इनमें डिप किया जाता है एंड दैट करंट इज पास थ्रू इट, ठीक है, तो दीज आर नोन एज द इलेक्ट्रोड्स, उन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है, ठीक है, और दिस वन इज लिक्विड को क्या कहा जाता है जिसमें डिप किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है वो, ये वो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से ये क्या होते हैं, मेटलिक होते हैं, ठीक है, दीज आर द मेटलिक रॉड्स विच आर यूज टू वॉट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इनमें, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करते हैं, मीन्स अपने में से करंट को पास होने देते हैं, ठीक है, थ्रू वॉट, दैट इज द नॉन मेटलिक सब्सटेंस, नॉन मेटलिक क्या है, दैट इज द लिक्विड, ठीक है, तो लिक्विड से क्या कर दें, क्रॉस करने देंगे और इलेक्ट्रिसिटी दैट विल पास थ्रू दिस पॉइंट लाइक दिस वन, ओके, इस तरह से, तो हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, तो इसलिए क्या होता है, प्लैटिनम का इस्तेमाल जो होता है बेटा वो इलेक्ट्रोड्स के फॉर्मेशन में किया जाता है, ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज एलिड, सॉरी दैट इज लेड, सिक्स वन इज दैट इज लेड, लेड का इस्तेमाल कहाँ होता है, ओके, सो लेड की अगर हम बात करें तो इज यूज, इसका इस्तेमाल भी इलेक्ट्रोड्स बनाने में किया जाता है फॉर ऑटोमोबाइल्स के लिए, ठीक है, बैटरीज के लिए, और एलॉय जैसे सोल्डर आपने सुना होगा, सोल्डर के बारे में, सोल्डर एलॉय जो है वो किससे बना होता है, दैट इज लेड एंड प्लस विच इज लेड और टिन से बना होता है, इट इज एन एलॉय, सोल्डर क्या है, इट इज एन एलॉय ऑफ वॉट, दैट इज SN प्लस PB, विच वन, that is tin and plus lead, okay, so आपने देखा होगा electrical components को जोड़ने के लिए, ठीक है, जो हम metallic चीज यूज करते हैं, ठीक है, that is the solder होता है जिसको melt किया जाता है और फिर attach किया जाता है electrical components को, ठीक है, तो वो solder एक तरह का alloy होता है जो किससे बना होता है, टिन से बना होता है और लेड से बना होता है, ठीक है, दैट इज सोल्डर, तो लेड जो होता है, ठीक है, वो सोल्डर बनाने में भी किया जाता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज क्रोमियम, यस इट इज अ वेरी शाइनी मेटल, ठीक है, ये क्या है, एक तरह का शाइनी मेटल है, दैट इज द क्रोमियम, इसका इस्तेमाल जो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है, अब व्हाट इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, दो चीजें हैं हमारे पास, एक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और एक है गैल्वेनाइजेशन, दो वर्ड आते हैं हमारे पास, ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच द वन मेटल इज गेट डिपॉजिट ऑन द अनदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इट, बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, सो वन मेटल के ऊपर, ठीक है, अदर मेटल की जो होती है कोटिंग की जाती है, अदर मेटल की क्या होती है, कोटिंग की जाती है, ठीक है, एंड विच बाय मींस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, सो दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रो प्लेटिंग, इलेक्ट्रिसिटी दैट इज and the plating word it is, ठीक है, electroplating with the help of electricity and plating means that is the deposition, okay, of on another metal, मतलब एक metal के ऊपर दूसरे metal की deposition जब की जाती है electricity की help से, तब हम उसको electroplating कहते हैं, ठीक है, दूसरी बात अगर हम करें galvanization की, तो galvanization भी वही process, बस इसमें ये फर्क होता है कि इसमें electricity की help से नहीं होता है, ठीक है, तो galvanization क्या है, ये भी क्या है, deposition of one metal, that is deposition of zinc over iron, okay, that is deposition of zinc over iron, iron ke upar zinc ki layer jo hoti hai usko deposit ki jati hai,
जिंक की लेयर फॉर्म की जाती है, ठीक है, कब, जब जिंक को मोल्टन स्टेट में रखा जाता है और आयरन को उसमें डिप किया जाता है, हॉट जिंक मोल्टन स्टेट रहता है, ठीक है, जिंक जो है उसको मोल्टन स्टेट में यानी मेल्ट करके रखा जाता है, ठीक है, और फिर उस आयरन को क्या किया जाता है, उसमें डिप किया जाता है, तो हॉट डिप मेथड होता है, गैल्वेनाइजिंग मेथड होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको कूल किया जाता है निकालने के बाद, और इस तरह से आयरन के ऊपर किसकी लेयर फॉर्म हो जाती है, जिंक की लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, दैट इज नोन एज द गैल्वेनाइजेशन, ओके, मींस द डिपोजिशन ऑफ अ जिंक ओवर आयरन, ठीक है, दैट इज नोन एज द गैल्वेनाइजेशन बाय द हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग मेथड, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज व्हाट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द मेथड बाय व्हिच डिपोजिशन ऑफ वन मेटल ओवर अनदर मेटल, ओके, बाय मींस ऑफ व्हाट, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, so that is known as the electroplating, हम उसको क्या कहते हैं, electroplating कहते हैं, clear? तो chromium जो होता है वो electroplating में क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ तक clear हुआ आपको, ठीक है। so on iron objects को electroplate किया जाता है, आपकी जो new bicycle होती है, ठीक है, उसके handles आपने देखे होंगे, ठीक है, new bicycle के जो handles होते हैं they are very shiny होते हैं बहुत, तो वो क्यों होते हैं, जस्ट बिकॉज, और आपने देखा होगा जब वो धीरे धीरे करोड होने लगता है, खराब होने लगता है या कहीं से वो टूट जाता है, ठीक है, टियर हो जाता है, तो आपको अंदर का आयरन पार्ट जो होता है वो देखने को मिलता है, तो व्हाट इज दैट, दैट इज द प्लेटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर द आयरन, ठीक है, तो वो शाइनिंग हैंडल जो आपको दिखता है दैट इज क्रोमियम, वो क्या है, क्रोमियम है, ठीक है, तो क्रोमियम जो होता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है, आयरन को इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है क्रोमियम से, ठीक है बेटा। So, इससे कार बम्पर्स जो होते हैं वो भी फॉर्म होते हैं, आगे वाले जो कार के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो फॉर्म होते हैं, या फिर जो बैंडल्स ऑफ साइकिल्स बाइसिकल्स जैसे मैंने बताया वो फॉर्म होते हैं, ठीक है, एंड सॉरी दैट इज द हैंडल्स ऑफ द बाइसिकल्स बिकॉज ये कोरोजन रेसिस्टेंट होते हैं, ठीक है, ये जल्दी कोरोड नहीं होते, में रस्टिंग नहीं होती है, किसमें, दैट इज क्रोमियम में, क्लियर। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास जिंक, द लास्ट वन इज दैट इज जिंक, ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास जिंक के बारे में कि व्हाट इज दैट थिंग। देखिए जिंक जो होता है वो ड्राई सेल में यूज किया जाता है, आपके जो रेडियोस में जो सेल यूज होता है, ठीक है, एंड जो आपका रिमोट्स में यूज होता है, ठीक है, आपके जो गेम जो रिमोट्स होते हैं उनमें यूज होता है, ठीक है, तो जो वो सेल यूज होता है दैट इज द ड्राई सेल, जो कि पोर्टेबल होते हैं, ठीक है, आसानी से क्या होता है, पोर्टेबल होते हैं, आसानी से हम इधर उधर ले जा सकते हैं, ठीक है, और उनमें जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है दैट इज इन अ सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो सॉलिड सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राई सेल कहते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राई सेल। तो जिंक का इस्तेमाल जो होता है वो क्या होता है, ड्राई सेल फॉर्मेशन में किया जाता है, यूज इन, ठीक है, ड्राई सेल में किया जाता है उसमें, और गैल्वेनाइजेशन में कहा मैंने जैसे कि इसका इस्तेमाल क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन में होता है ताकि आयरन के ऊपर इसकी लेयर जो होती है वो डिपॉजिट की जाती है, इट इज यूज्ड फॉर द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, ओके। सो कोटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स या फिर अलॉय जो होते हैं, ठीक है, अलॉय जैसे ब्रास, जैसे मैंने आपको बताया था ब्रास इज मेड अप ऑफ व्हाट, दैट इज कॉपर एंड जिंक, ओके, सो ब्रास जो अलॉय फॉर्म होता है वो जिंक की हेल्प से बनाया जाता है, जिसमें कॉपर भी होता है और जिंक प्रेजेंट होता है, ठीक है, मैक्सिमम तो अमाउंट ऑफ कॉपर ही होता है बट लिटिल बिट अमाउंट ऑफ जिंक इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है, सो दैट्स व्हाई द ब्रास अलॉय इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द जिंक, क्लियर। सो या फिर जर्मन सिल्वर जो होता है बेसिकली इट इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज uses of non-metals की बात करते हैं, uses of non-metals, clear, इतना समझ आया आपको, metals के uses क्या हैं, and what are the main non-uses, sorry, the use of, now the next is non-metals, okay। सो फर्स्टली हम बात करेंगे दैट इज नॉन मेटल इज कार्बन, दैट इज कार्बन, ओके। सो फर्स्टली आपने कार्बन के डिफरेंट
क्या देखें, दैट इज कहा जाए तो व्हाट अबाउट ग्रेफाइट एंड दैट इज द डायमंड, टू थिंग्स. ठीक है, यू हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस वन. ओके, कार्बन टू फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द डायमंड एंड द ग्रेफाइट. ठीक है, तो कार्बन जो होता है जिसका एक फॉर्म होता है दैट इज द ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज अ व्हाट, दैट इज अ कार्बन फॉर्म. ठीक है, ग्रेफाइट का जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, इन्हें पेंसिल लिड्स में जो होता है उसे बनाने में किया जाता है. अगर मैं बात करूं पेंसिल लिड की, ठीक है, तो बेटा तो पेंसिल लिड में लिड जो होता है और ग्रेफाइट जो होता है कितना परसेंट प्रेजेंट होता है. ठीक है, नाम से आपको लग रहा है बट उसमें लेड जो होता है 0% होता है, ओनली द ग्रेफाइट इज प्रेजेंट. उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट ही प्रेजेंट होता है, वो ग्रेफाइट का ही बना होता है. ठीक है, दैट इज द ग्रेफाइट, वो ग्रेफाइट है. ठीक है, तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल जो होता है वो लुब्रिकेंट्स बनाने में किया जाता है. लुब्रिकेंट समझते हैं, लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, यस लुब्रिकेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच आर यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. ठीक है, जो फ्रिक्शन को यानी किसी चीज को चिकना करने में इस्तेमाल किए जाते हैं. ठीक है, तो उनका काम लुब्रिकेंट्स उनको कहा जाता है, जैसे ग्रीस हो गए. ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह के लुब्रिकेशन की तरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. ठीक है, ताकि किसी सरफेस को एकदम स्मूथ किया जा सके. तो इसका इस्तेमाल जो होता है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल जो होता है लुब्रिकेंट्स फॉर्मेशन में किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी ग्रेफाइट का इस्तेमाल जो होता है इलेक्ट्रोड्स बनाने में भी किया जाता है ड्राई सेल में. ठीक है, और इलेक्ट्रिक आर्क्स बनाने में किया जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट इज इट, दैट इज अ नॉन मेटल बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर, अगर ग्रेफाइट की उसकी बात की जाए, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इट इज ग्रेफाइट का इस्तेमाल जो होता है लुब्रिकेंट्स बनाने में किया जाता है, और प्लस व्हाट इज इट, पेंसिल की लिड बनाने में किया जाता है. ठीक है, क्योंकि ये कैसा होता है, स्लिपरी नेचर का होता है. ठीक है, और सम इट इज शाइनिंग सरफेस, उसका कुछ शाइनिंग सरफेस जो होता है वो भी देखने को मिलता है. ठीक है, एंड कैन ब्लैक पेपर जो होता है, ठीक है, ब्लैक मार्क जो होता है वो भी पेपर के ऊपर जो फॉर्म होता है दैट इज ऑल्सो ऑफ व्हाट, दैट इज ग्रेफाइट. क्लियर, तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल जो होता है और कहां होता है, दैट इज मेकिंग द हाई टेम्परेचर क्रूसिबल्स. ठीक है, बनाने में भी किया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, व्हाट इज इट, कार्बन. अगर डायमंड की बात की जाए बेटा, ठीक है, नेक्स्ट वन इज द डायमंड. द नेक्स्ट, दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ व्हाट, दैट इज द कार्बन. ठीक है, तो ग्रेफाइट और डायमंड जो है वो कार्बन के क्या है, फॉर्म है. ठीक है, डायमंड की अगर हम बात करें बेटा, तो डायमंड का इस्तेमाल जो होता है यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरीज. ठीक है, ज्वेलरी फॉर्मेशन में किया जाता है, क्यों, उसकी ब्रिलियंस की वजह से. ठीक है, और डायमंड का इस्तेमाल जो होता है क्योंकि एक सबसे हार्डेस्ट, मैंने आपको बताया था कि डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है. ठीक है, जिसका इस्तेमाल जो होता है कटिंग के लिए किया जाता है या टूल्स बनाने के लिए किया जाता है. ठीक है, दैट इज यूज फॉर मेकिंग फॉर द कटिंग और द ग्राइंडिंग. ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर रिमूवल ऑफ द कैटरैक्ट. ठीक है, कैटरैक्ट मतलब जिसको हम मोतियाबिंद कहते हैं. ठीक है, तो बाय सर्जन जो होते हैं जनरली इस डायमंड का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है और इसके शाइनी, सॉरी दैट इज द शार्प एजेस जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज व्हाट इज इट, दैट इज सल्फर. व्हाट द सल्फर इज यूज फॉर द स्किन ऑइंटमेंट्स. ठीक है, जो स्किन के स्किन ऑइंटमेंट जो होते हैं, ठीक है, वो बनाने में सल्फर का जो है, ठीक है, यूज होता है वो किया जाता है. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, स्प्रे फॉर द फ्रूट्स या सीड्स, क्योंकि एक पेस्टिसाइड्स की तरह इस्तेमाल होता है. ठीक है, फंगल और इंसेक्टिसाइड जो होते हैं, इंसेक्टिसाइडल नेचर होने की वजह से इसका इस्तेमाल जो होता है, ठीक है, पेस्ट या डिजीज को कंट्रोल करने में किया जाता है. ठीक है, एंड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, इट इज यूज इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. व्हाट इज इट, दिस थिंग. देखिए, वल्कनाइजेशन का मतलब क्या होता है, वल्कनाइजेशन का मतलब क्या है कि, सॉरी दैट इज ओके, वल्कनाइजेशन का मतलब क्या है कि रबड़ जो होता है उसमें सल्फर ऐड किया जाता है. मतलब केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें रबड़ में सल्फर को ऐड किया जाता है और इस तरह से उसको हार्डनेस जो होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है. ठीक है, किसको, रबड़ को. ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द वल्कनाइजेशन एट अ हाई टेम्परेचर पे.
ठीक है, ये रिएक्शन होती है एट हाई टेम्परेचर पे होती है, और उसमें रबर जो होता है उसको रिएक्शन कराई जाती है सल्फर के साथ, और इस तरह से जो एक नया सब्सटेंस बनता है दैट विल इज व्हाट हार्डेस्ट, मतलब हार्ड रबर जो होता है वो फॉर्म होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो रबर की वल्कनाइजेशन में सल्फर जो होता है वो यूज किया जाता है। क्लियर आयुष? नेक्स्ट इज व्हाट, दैट इज इन, इट इज यूज फॉर मेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, डाई जो होते हैं डिफरेंट, ठीक है, वो फॉर्म होते हैं फायरवर्क्स, आपके जो दिवाली में जो फायरवर्क्स यूज होते हैं, ठीक है, वो भी किससे बने होते हैं, सल्फर से फॉर्म होते हैं। ठीक है, और गन पाउडर जो होता है दैट इज व्हाट, गन पाउडर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ व्हाट, दैट इज सल्फर, किससे बना होता है, सल्फर से बना होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सल्फर। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO, that is acid is also made up of sulfur. Clear? Now next one is, हम अगर oxygen की बात करते हैं तो oxygen आप जानते हैं generally वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, for the respiration process के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, then oxygen कहाँ होता है, that is for the use for the respiration. ठीक है, that is for respiration. Okay? So, रेस्पिरेशन में होता है, प्लस इट इज अ गुड सपोर्टर ऑफ कम्बशन, किसी पदार्थ का जलना जो है वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होने की वजह से वो जल पाता है। ठीक है, दूसरी चीज आती है हमारे पास फॉस्फोरस की। ठीक है, अगर हम फॉस्फोरस की बात करते हैं, नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। Okay, so phosphorus is used for what? Manufacturing of matchstick. आपके जो माचिस की जो तीली होती है, ठीक है, माचिस में जो matchstick होती है, उसके ऊपर जो आपने brown color का tip देखा होगा, that is made up of what? That is white phosphorus जो होता है, वो form होता है। ठीक है, तो phosphorus का इस्तेमाल जो होता है matchstick बनाने में किया जाता है। क्लियर, और रेड पॉइजन बनाने में किया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड बनाने में किया जाता है, या फिर फॉस्फेट के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, किससे, विद द हेल्प ऑफ फास्फोरस। क्लियर, नेक्स्ट नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो होता है, ठीक है, वो किसमें किया जाता है, नाइट्रोजन इज यूज फॉर मेकिंग द फर्टिलाइजर। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन जो है वो किसमें यूज होता है, फर्टिलाइजर्स के फॉर्मेशन में किया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, या फिर अमोनिया नाइट्रिक एसिड जो होता है वो फॉर्म किया जाता है। ठीक है, और लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है उसका इस्तेमाल जो होता है ब्लड को प्रिजर्व या कॉर्निया या बॉडी ऑर्गन्स को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है, दैट इज द लिक्विड नाइट्रोजन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट, दैट इज क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है वो डिसइंफेक्शन के लिए किया जाता है, ताकि वाटर में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको क्या किया जा सकता है, किल किया जा सकते। ठीक है, तो डिसइंफेक्शन के लिए जो हम नॉन मेटल यूज करते हैं दैट इज द क्लोरीन। ओके, या ब्लीचिंग पाउडर, पीवीसी पाइप्स जो होती हैं, या प्लास्टिक जो होता है, जनरली वो किससे बना होता है, क्लोरीन से बना होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, द लास्ट वन इज, तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल जो होता है, ठीक है, वो अमोनिया के फॉर्मेशन में किया जाता है। ठीक है, अमोनिया गैस जो होती है उसके फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन गैस, और दूसरा क्या होता है, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनके ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हाइड्रोजन जो होता है वो जनरली क्या होता है बेटा, यूज होता है। So these are the what uses of metals and the non-metals. Clear?